गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, अपने लाइफ में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आप सबके गांव से मैं बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू ए माय रेस्मॉम लाइफस्टाइल। और सब बताइएगा कैसे हैं। आज मैंने किया है हल्का सा मेकअप, जैसे कि आप देख रही हैं। थोड़ा सा मैं करती नहीं हूँ बिकॉज मैं आज कहीं जाने वाली हूँ, कहीं जाने वाली थी। फिर बारिश आ गई, जाना था हमें, एंड हम जाएंगे शाम को, बिकॉज शाम को हमें जाना है टेम्पल जहाँ हमारी भूख लगती है। मतलब कि एक जो वो होते हैं ना कि सब कि एक वो बोलते तो उसको क्या बोलते हैं यार, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। सो हमें वहाँ जाना है, हमारी भूख लगती है कोथ, अगर किसी को पता हो। जींद में कोई गांव है कोथ, और वहाँ पीर बाबा है उन वहाँ पे। सो आज हम वहाँ जाएंगे। मैंने देखो सूट आयरन करके वहाँ हैंग किया हुआ है, मैं वो सूट वेयर करूँगी। एंड मैंने हल्का सा मेकअप किया है। सो लेट्स गो, मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग को स्टार्ट कर दिया जाए। सो बने रहिए, आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वॉच टिल एंड। ये देखिए मेरी थ्रेडिंग कितनी हो रही है यार, मुझे बनवानी है थ्रेडिंग। बट मैंने सोचा है कि कुछ ओकेशन ही आ जाए, आने वाला है, सो मैं तभी करवा लूँगी। मैंने मेकअप तो कर लिया बट विदाउट थ्रेडिंग थोड़ा अजीब सा लगता है। आप सब बताना कैसा किया मैंने मेकअप, हल्का सा मेकअप किया। एंड देखिएगा बाहर कितनी ज़बरदस्त वाली बारिश आई है, इतनी ज़बरदस्त, और अभी आ ही रही है थोड़ी थोड़ी। ये देखो मेरे टावल बाहर सूख रहे थे और बिल्कुल गीले हो गए, फिर मैंने उतारे इन्हें। मैंने कहा चलो कोई नहीं, और ये मेरा दुपट्टा होने दो गीले, इनको मैं वॉश ही कर दूँगी। एंड बारिश अभी थोड़ी थोड़ी आ ही रही है। ठीक गाइस, मैं नेल पेंट लगाई, देखना कुछ डिज़ाइन करने का ट्राई किया, बताना कैसा। ये फिंगर का थोड़ा गलत हो गया, देखना थोड़ा हल्का हल्के फ्लावर बनाए हैं, कैसे लग रही हैं। हमने पूमा का भी शोरूम ओपन हो गया, प्ले स्टोर। हमने देखने आए हैं शूज़, देखते हैं पसंद आते हैं तो। साइड में रेड टेप है, साइड में पूमा है। फ्लैट 60% ओपन होते ही, वाह। यहाँ पे हमें लेने थे शूज़, हम स्पेशली यहाँ पे शूज़ लेने के लिए आए थे। मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था हम, मुझे एक शूज़ की नीड है और उनको भी शूज़ लेने थे अच्छे से, अगर मिल जाए तो। पहले हम फर्स्ट ले गए पूमा में, फिर रेड टेप में, हमें कहीं भी सच में शूज़ नहीं पसंद आए। और यहाँ फिर मैं देखना, यहाँ पे पैंट ट्राई कर रही हूँ, बट इस स्टाइल में मेरे पास पैंट है, मैं जिस स्टाइल में लेना चाहती थी वो मुझे पैंट नहीं मिली। यहाँ पे मैंने फिर पैंट भी नहीं ली और हमें शूज़ भी पसंद नहीं आए। एक्चुअली में क्या हुआ ना, हम काफ़ी जगह घूमे, हमें कुछ नहीं पसंद आया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम वहाँ से कुछ लिए बिना हम वापस वहाँ से चले गए। और शूज़ हम काफ़ी शोरूम में, रेड टेप में, पूमा में, मेट्रो वगैरह में काफ़ी जगह हमने देखा, बट हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। और उसके बाद इस फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है हम कुछ ले बिना जा रहे हैं। पसंद तो बहुत कुछ आया लेकिन हमारी औकात से बाहर। अब जा रहे हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में ऐसा मैं इसलिए बोल रही थी वहाँ पे कि हमने कुछ नहीं लिया, जो हमें पसंद आया वो हमारी औकात से बाहर है। एक्चुअली ऐसा क्या है ना, मुझे एक हैंडबैग वहाँ पे पसंद आया और वो था 3,500 का। ओ माय गॉड, इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते यार। एंड मुझे एक फुटवेयर्स भी, जैसे पार्टी वियर वो भी पसंद आई थी, वो थी 2,500। सो आई यार, मैं इतना थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं। सो जब भी मैं कह रही थी यार हमें पसंद तो आया बट मैं हमारे औकात से बाहर, हमने वहाँ पे कुछ नहीं लिया। और हमें वैसे जिस चीज़ की नीड थी, एक्चुअल में हम जो लेने गए थे वो हमें पसंद नहीं आया, शूज़ वगैरह और चीज़ हम वैसे ही देख रहे थे, बट वो बहुत ही ज़्यादा महंगी महंगी थी, इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते यार, मिडिल क्लास फैमिली है। सो उसके बाद हमें लगी थी थोड़ी थोड़ी भूखी, सो हम चल दिए पिज़्ज़ा लेने के लिए, सॉरी लेने के लिए नहीं, खाने के लिए। हमने वहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, पिज़्ज़े का वेट किया काफ़ी देर, और फिर उसके बाद पिज़्ज़ा आ गया। ये देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, हम भी जब कभी भी पिज़्ज़ा मंगवाते हैं ना,
अच्छी से भूख हो तब तो ये वाला मंगवा लो, अदरवाइज ना ऐसे मिक्स वेज वाला कभी मत माना, बहुत हैवी हो जाता है यार। हमसे खाया भी नहीं गया, हमने एक पिज़्ज़ा मंगवाया था और वो भी नहीं खाया गया, जो ओनली सिंगल जैसे ओनली कॉर्न पिज़्ज़ा, ओनली ऑनियन पिज़्ज़ा एंड टमाटो मतलब कैप्सिकम पनीर, इस टाइप से वन सिंगल पिज़्ज़ा मंगवाना चाहिए। ऐसे हमने मिक्स वेज मंगवा लिया था, मतलब सभी वेजेज और चीज़ से लोडेड और सब कुछ था इसमें, और बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, खाया भी जा रहा था, भूख थी बट इतनी भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। और उसके बाद हम आ गए घर, मैं लेके आई हूँ टमाटर, और पता है इतने महंगे बताओ बेबी, ये हैं 80 रुपये के आधा किलो, 1 2 3 4 5 6 टमाटो, 8 भी नहीं है, 12 13 से भी ऊपर का 1 टमाटो है। ओह माय गॉड, इतनी महंगाई क्या गले बेबी। उसके बाद देखिए ये लेके आए थे स्वीट्स, बर्फियाँ, और शोना बेबी कह रही थी भी, पापा आप बर्फ़ी लेके आई हुई, देखिए क्या ये बर्फ़ी नहीं है पापा, ये तो पेड़ा है, तो पेड़े का टेस्ट आ रहा है, पेड़े को अलग शेप में काट दिया है। तो इसी बारे में ये दोनों पापा बेटी डिस्कस कर रहे थे, ये देखो, तो उसके पापा कह रहे थे कि अच्छा ये अलग वही है, पेड़ा ही है, उसको बस अलग शेप में कट कर दिया तो ये बर्फ़ी बन गई है ना। तो उस बात पे ही दोनों के दोनों पापा बेटी जिद कर रहे थे। देखिए आप सुनिएगा क्या कह रही है, अलग शेप में काट दिया बस इसको, तुम काट दे इसको अलग शेप में, तय बना दे इसका और कुछ अलग शेप में, काजू कतली बना दे ना इसकी, बना दूंगी। पेड़ा नहीं लग रहा आपको, देखो अलग शेप में कर दिया बस, और पेड़ बेबी व्हाई आर यू वेयरिंग स्पेक्स, मेरे आई फ्लू, हाई फ्लू है मेरे बेटे को, यहाँ पे मायरा के आई फ्लू हो रहा है, 2 दिन से स्कूल भी नहीं जा रही है, पता नहीं बहुत ज़्यादा फैला हुआ है यार ये आई फ्लू तो बहुत ज़्यादा। सो और मायरा को भी हो गया है, और यहाँ पे शोना बेबी कर रही है, मम्मा मैं चॉकलेट के साथ आइसक्रीम ट्राई करके देखती हूँ कैसी लग रही है, बट ये वीडियो में तो बोलेगी मम्मा बहुत अच्छी लग रही है, बट बाद में कहेगी नहीं मम्मा बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, और सच में नहीं अच्छी लग रही थी, मैंने भी टेस्ट की थी, ना उसका टेस्ट आ रहा था और ना ही उसका टेस्ट आ रहा था, बहुत ही गंदी लग रही थी। और उसके बाद देखिएगा मैंने भी टेस्ट की बट बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी सच में। बनेगी तोरियां, मैं इनको फटाफट कट करती हूँ, फिर बनाते हैं तोरी दूध वाली। All right. Okay.